अफगानिस्तान के काबुल में हुए ड्रोन हमले को अमेरिका ने बताया भूल, कहा दस आम नागरिक मारे गए, आईएस आतंकी नहीं। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। पिछले महीने अफगानिस्तान में हुए ड्रोन हमले पर बचाव कर चुका पेंटागन अब अपने बयान से पलट चुका है। पेंटागन का पहले कहना था कि इस हमले में आईएस आतंकी मारे गए, लेकिन अंदरूनी जांचों के बाद अब पेंटागन अपने जवाब से पलट चुका है। पेंटागन का अब कहना है कि इस हमले में 10 आम नागरिक मारे गए, ना कि इस्लामिक स्टेट चरमपंथी। 29 अगस्त को हुए इस हमले में बच्चों सहित कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई। पेंटागन के अधिकारियों का मानना था कि यह बहुत सटीक हमला है। 29 अगस्त को हुए इस हमले में बच्चों समेत कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई। पेंटागन का कहना था कि ये बहुत ही सटीक हमला है। वहीं दूसरी तरफ यूएस भी ये दावा कर रहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर कार बॉम्बर में आईएसआईएस के आतंकियों को इस हमले द्वारा मारा गया है, जो कि एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका ने कहा कि रविवार को काबुल में संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, लेकिन मीडिया ने बाद में इस घटना पर जारी अमेरिकी बयानों पर संदेह प्रकट करना शुरू कर दिया और खबर दी कि जिस वाहन को निशाना बनाया गया था उसका चालक किसी अमेरिकी मानवीय संगठन का कर्मचारी था। खबर में यह भी बताया गया कि इस वाहन में विस्फोटक होने के पेंटागन के दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान के आत्मघाती बम हमलावर के नाम पर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में 6 बच्चों समेत 10 आम नागरिकों की भी मौत हो गई।